सभी स्वर साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार स्वर साधना आपको ध्यान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सहायक हो सकती है, किस स्वर के जागृत होने पर आपको किस कार्य का परिणाम पूर्ण रूप से मिल सकता है, और किसी व्यक्ति का मृत्यु योग आप किस प्रकार स्वर के माध्यम से पता लगा सकते हैं, और अनेक ऐसी गूढ़ विद्याएं जो कि हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम तक सीमित होकर रह गई हैं। मुझे आशा है मैं उनको उजागर कर पाऊंगा और एक आम आदमी के जीवन में स्वर साधना का प्रकाश फैल पाएगा। यह बात आपको जान लेनी आवश्यक है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया सूर्य और चंद्र स्वर के बारे में, सूर्य और चंद्र स्वर को ईड़ा और पिंगला के नाम से भी जाना जाता है, और इनके मध्य की नाड़ी है सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला के माध्यम से हमने सुषुम्ना को जागृत करना है, जिससे कि शक्ति का ऊर्ध्वगमन होकर वो हमारे सहस्र द्वार से बाहर की ओर, मोक्ष द्वार की ओर प्रवेश करेगी। ऐसी स्वर साधना का उद्देश्य है, ऐसी स्वर साधना की गति है। और मुख्य रूप से इन नाड़ियों की संख्या कितनी है, कितनी नाड़ियां हमारे शरीर में विद्यमान हैं सूक्ष्म रूप से, निश्चित रूप से यदि आप शरीर को काटेंगे, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो एक नाड़ी भी खोज नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी विद्यता है सूक्ष्म रूप में, और उनकी संख्या है 72,864 शास्त्र के अनुसार। 72,864 में 24 मुख्य नाड़ियां हैं, 24 में से 10 मुख्य नाड़ियां हैं, और 10 में से 3 मुख्य नाड़ियां हैं जो कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। अब आप कुछ यौगिक एनाटॉमी समझ पाएंगे किस प्रकार से हमारे प्राणवायु ऊपर की ओर उठता है, और उन नाड़ियों के मध्य में जब सुषुम्ना जागृत होती है तो बीच बीच में कुछ जंक्शन बने हुए हैं, कुछ स्टेशन बने हुए हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, चक्र, चक्र साधना, चक्रा मेडिटेशन। बहुत आजकल बहुत लोग इसकी बात करते हैं, तो मुझे लगा मुझे आपको शुरू से बिल्कुल बताना चाहिए ये कि मूलाधार से लेकर और सहस्रधार चक्र तक किस चक्र की क्या विशेषता है, और स्वर साधना किस प्रकार किस चक्र पर प्रभाव डाल सकती है, यह बात आपको जान लेनी होगी। तभी तो आप एक साधारण प्राणायाम के अभ्यासी से एक योगी के स्तर का प्राणायाम का अभ्यास कर पाएंगे, तभी तो आप अपनी साधना को इतना ऊपर उठा पाएंगे कि आप परम आनंद में अपने आप को लेकर जा सकें। किस प्रकार आप स्वर के माध्यम से मृत्यु योग का पता लगा सकें, किस प्रकार आप यह जान पाएं किस व्यक्ति का मृत्यु योग निकट है, और कितने दिन में अवश्यम भावी उसकी मृत्यु संभव है, यह भी स्वर साधना के माध्यम से जाना जा सकता है। प्रातःकाल सूर्य उदय के समय एक स्वस्थ व्यक्ति का सूर्य स्वर जागृत होगा, और चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर जागृत होगा। ऐसी स्वास्थ्य की धारणा है, ऐसी साधक की धारणा है, किस प्रकार से आपने अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। सूर्य उदय के समय सूर्य स्वर जागृत हो, चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर जागृत हो। यदि किसी व्यक्ति का यह स्वर विपरीत होता है, सूर्योदय के समय चंद्र स्वर जागृत होता है, चंद्रोदय के समय सूर्य स्वर जागृत होता है, तो ऐसा निश्चित माने 8 दिन में उस व्यक्ति को मृत्यु आनी अवश्यम भावी है। 8 दिन का समय अगर लगातार 8 दिन तक ऐसा रहता है जिसके स्वर उल्टे हो जाएं, तो 8 दिन में उस व्यक्ति का मरना निश्चित है। और इसका एक और यह भी उपाय है, यदि वह व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी को अनुभव ना कर पाए, सुषुम्ना को महसूस ना कर पाए, और अग्नि का दर्शन करे तो भी चमक ना महसूस कर पाए,
अग्नि का तेज महसूस ना कर पाए। ऐसी स्थिति में 11वें दिन में मृत्यु का योग अवश्यंभावी है। और जो व्यक्ति अपने सपने में मल मूत्र और सोना और चांदी के दर्शन करे, 11 महीने में उसकी मृत्यु का योग संभव है। यदि लगातार आपको इस तरह के सपने आते हैं कि आप मल मूत्र और सोना और चांदी के दर्शन करते हैं अपने स्वप्न में, तो 11 महीनों में आपका मृत्यु का योग बनता है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि स्वर साधना से इसको किस प्रकार बदला जा सकता है, किस प्रकार अपने सपनों को बदला जा सकता है। क्या कभी ऐसा संभव है अपने मन चाहे सपने आप देखें? आज मैं चाहता हूँ, आज मैं हिमालय की यात्रा करके आऊँ, ऐसा सपना देखें, क्या ऐसा संभव है? इसकी विधि भी मैं आपको बताऊँगा। जो व्यक्ति जलते हुए दीपक को कभी तो सोने के समान चमकता हुआ देखे, कभी काला देखे, प्रकाशहीन अंधकार युक्त, वह व्यक्ति 9वें महीने में मर जाएगा, ऐसा स्वर योग का आदेश है। उस व्यक्ति का 9वें महीने में मृत्यु का योग है जो दीपक को विपरीत देखे, कभी तो सोने के समान चमकता हुआ देखे और कभी अंधकार युक्त देखे। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव करे, कभी तो बहुत बलशाली महसूस करे और कभी बिल्कुल ही निर्बल हो जाए, कभी तो मन में इतने विचार आए कि बस उथल पुथल मच जाए विचारों की, और कभी मन बिल्कुल शांत हो जाए योगी के जैसे, कभी तो विचार आए कि सब कुछ खा लिया जाए, इतने भोजन करने की इच्छा हो, और कभी बिल्कुल उपवास पे चले जाने की इच्छा हो, जब बहुत तुरंत इस परिवर्तन होने लगे इन सब विचारिक अवस्थाओं का, तब आप ऐसा समझें 8 महीने में उस व्यक्ति का मृत्यु का योग बनता है। जो व्यक्ति अपनी जिह्वा के तल पर या अपनी हथेली के तल पर पीड़ा को महसूस करे और जिसे सुई की चुभन भी महसूस ना हो, कभी आप महसूस करेंगे कोई रोगी होता है, कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगता है तो उसको पता नहीं चलता कि इंजेक्शन लगा, सुई की पीड़ा भी महसूस नहीं हुई, तो ऐसा व्यक्ति 7 महीने ही जी पाता है। 7वें महीने में उस व्यक्ति का मृत्यु का योग है। देखिए कैसी भविष्यवाणी स्वर योगियों ने की हजारों साल पहले, कि स्वर किस प्रकार संदेश देता है जीवन समाप्ति का। यदि आँख खुली हो, यदि इस जग को देख पाएं, सत्य को देख पाएं, तो तभी साधना में डूब जाएं, तभी ध्यान में छलांग लगा दें, तो उस परम ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। शायद ये इस बात का सूचक है कि समय निकट है, अब तो कुछ कर लो, अब तो कुछ कर लो। इस व्यक्ति की मध्य की 3 उंगलियां मुड़े नहीं, इनमें ऐसा स्टिफनेस आ जाए कि मोड़ ना पाए इनको, और बिना किसी रोग के, कोई रोग नहीं, शरीर स्वस्थ है, बार बार कंठ सूख जाए, कंठ सूख जाता है, गला सूख जाता है, बार बार पानी पीना पड़ता है, बहुत ड्राइनेस महसूस होती है गले में, और जो व्यक्ति एक बात को बताए हुए बार बार भूल जाए, मेमोरी लॉस कहते हैं ना जिसको, शॉर्ट मेमोरी लॉस, ऐसा व्यक्ति 6 महीने जी पाता है। देखिए महीना दर महीना हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी 3 मध्य की उंगलियां ना मुड़ पाए, जो एक बात बताई हुई बार बार भूल जाए, अरे हाँ क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, मैं तो भूल गया, मेरा तो याद नहीं रहा मुझे तो, और जिसका कंठ बार बार सूख जाए बिना किसी रोग के, ऐसे व्यक्ति का 6 महीने का मृत्यु योग निश्चित है। और जिस व्यक्ति के स्तनों की त्वचा लटक जाए, मुरझा जाए, आप ऐसा महसूस करें कुछ ऐसे शारीरिक परिवर्तन भी नहीं हुए लेकिन स्तनों की त्वचा में लूज हो जाती है, मुरझा जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का 5वें महीने का मृत्यु का योग है। और जिस व्यक्ति के आँखों
के प्रकाश के जाने का महसूस करें, ऐसा महसूस करें आंखों की ज्योति कम हो गई और दोनों आंखों में पीड़ा रहे, ऐसा व्यक्ति 4 महीने जिएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसके दांत और वृषण दबाने से पीड़ा ना हो, ऐसा व्यक्ति 3 महीने जिएगा। और जो ऐसा महसूस करे ऊंचा सुनाई देने लगे, बहरा हो जाए, बधिर हो जाए, ऐसे व्यक्ति का 3 महीने का मृत्यु योग है, ऐसा स्वर शास्त्र की आज्ञा है। और जो व्यक्ति रात्रि में तारों को ना देख पाए, प्रदूषण के कारण नहीं, लेकिन सब लोग देख पा रहे हैं आकाश में तारे हैं और एक व्यक्ति ऐसा हो जो ना देख पाए उसे, और ध्रुव तारे को भी जो कि सबसे ज्यादा चमकता है उसे भी ना देख पाए, ऐसे व्यक्ति का 2 महीने का मृत्यु का योग है। और ये भी संभावना है उस व्यक्ति को रात को ही इंद्रधनुष दिखाई देने लगे। रात को ही आकाश में सब लोगों को तारे दिखते हैं लेकिन वो कहता है कि मुझे तो इंद्रधनुष दिख रहा है, तो ऐसा माने कि वह व्यक्ति 2 महीने में मर जाएगा। और जो व्यक्ति अपने पैरों और घुटनों के दर्द को अवॉइड करे, ऐसा कुछ अचानक से ऐसा कष्ट महसूस हो पैरों में और घुटनों में, तो वह व्यक्ति 1 महीने में मर जाएगा, ऐसा स्वर शास्त्र का कहना है। जिस व्यक्ति की कनिष्ठ उंगली पीली और मध्यमा काली पड़ जाए, वह व्यक्ति 18 दिन में मर जाएगा, ऐसा स्वर शास्त्र का मानना है। यह 2 उंगलियां आप समझ लीजिए, यह कनिष्ठ और यह मध्यमा। अगर यह पीली और यह काली होती है तो 18 दिनों में मृत्यु का योग है। जो व्यक्ति घी में, तेल में, जल में और शीशे में, दर्पण में अपने आप को सिर रहित देखे, ऐसा अपने आप को देखे लेकिन सिर ना दिखे उसे अपना, उसका 15 दिन का मृत्यु का योग है। जिस व्यक्ति को सूर्य में ठंडक और चंद्र में गर्मी लगे, अर्थात जो तापमान को ना पहचान पाए, आप गर्म पानी उसके हाथ में दे वो कहे अरे ये तो ठंडा है, ठंडा पानी हाथ में दे करे अरे ये तो गर्म है, ऐसा व्यक्ति भी 15 दिन में मर जाएगा, उसका 15 दिन का मृत्यु का योग है। जो तापमान, जो सूर्य और चंद्र, जो ईड़ा और पिंगला के विपरीत पहचानने लगा अभी, उसका 15 दिन का मृत्यु का योग है। और ऐसा व्यक्ति जो स्नान करते ही जिसके हाथ पैर और छाती तुरंत सूख जाए गर्मी के कारण या किसी भी कारण से, तौलिए से पोंछने से नहीं, स्नान किया और तुरंत हाथ पैर और छाती सूख गई, तो ऐसा व्यक्ति 10 दिन ही जीवित रह पाता है। और 10 दिन से लघु अवधि इस प्रकार बताते हैं, जो व्यक्ति दूसरे की पुतलियों में, दूसरे की आंखों में देखने पर अपने रूप को नहीं देख पाता। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आमतौर पे हम अपनी छवि को दूसरे की आंखों में भी देख पाते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो, यदि कोई व्यक्ति ऐसा देख पाने में सक्षम नहीं तो स्वर योग का कहना है वह व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। और यदि इन सभी लक्षणों को कोई व्यक्ति महसूस करे या आप किसी व्यक्ति में महसूस करें, उसके लिए एक उपाय भी बता देता हूँ। किसी एकांत जगह पर जाकर, एकांत वन में जाकर, ऐसी जगह पर जाकर जहाँ सूर्य आपके पीछे से निकलता हो, अर्थात आपकी पीठ, आपकी कमर पूर्व की ओर है और आपका मुख पश्चिम की ओर है, ऐसी जगह बैठकर थोड़ा सा गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं और परम ब्रह्मणे नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ऐसा 108 बार जाप करने से मृत्यु योग को भी टाला जा सकता है। ऐसा स्वर योग का आदेश है, ऐसा स्वर योग का ज्ञान है। किस प्रकार से हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए यही तो परमात्मा का आशीर्वाद है, भगवान शिव का आदेश है। उन्होंने मृत्यु योग को भी बताया किस प्रकार 11 महीने से लेकर 10 दिन और अति शीघ्र किसका मृत्यु योग बनता है, और यह भी बताया किस प्रकार इसका उपाय किया जा सकता है। यदि आप किसी की सहायता करना चाहें
आध्यात्मिक सहायता, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर ना करें, इसे रहस्य की तरह छुपा कर रखें, क्योंकि यह शास्त्रों की गूढ़ विद्या है, हर किसी व्यक्ति तक पहुंच ना पाए ऐसा प्रयास आप भी करें। जैसा कि शास्त्रों के अध्ययन से ही, तो शास्त्रों का अध्ययन करता है उसे ही यह विद्या प्राप्त होती है। और जो स्वर का साधक है, जो साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, वो तो किसी न किसी प्रकार इसे खोज ही लेगा। और इस वीडियो को बिल्कुल रहस्य बनाकर छुपा कर रखें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप उसे ज़रूर लिखें, आप मुझे बताएं और मैं प्रयास करूंगा उनका जवाब देने के लिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।